बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं महोबा की कुछ मुख्य खबरों का। आपको बता दें, महोबा जिले के भुदौरा गांव में बीते रोज अपने ही खेत में खेल रहा मासूम अचानक बोरवेल में जा गिरा। सूचना पर आनन फानन में जिले के जिला अधिकारी सतेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंच मोर्चा संभालते हुए आधा दर्जन जेसीबी एलएनटी मशीनों से रेस्क्यू की शुरुआत करी। बच्चे को साकुशल बचाने का भरकस प्रयास किया। साथ ही लखनऊ मुख्यालय से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलवाया गया। सूचना के 10 घंटे बाद पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने घंटों रेस्क्यू के बाद बच्चे को बोरवेल से निकाल एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे की मौत पर सूचना पर डीएम एसपी ने जिला अस्पताल पहुंच मृत बच्चे के परिजनों को ढाढ़स बंधा आर्थिक सहायता की बात कही। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। क्या हुआ है? बच्चा धार में था, बोर में गिर गया। सिंचाई हो रही थी। कैसी स्थिति? अभी डॉक्टर ने निकाला। बड़ी मुश्किल से काल 5-12 बजे गिर गया। फिर 5 बजे वाहन आए, वो जेसीबी, फिर खुदाई भी आज निकला। वही 8:30 कैसी स्थिति बता? इस पार हो गया। कहाँ लेके आए थे आपने? अभी कहाँ लेके आए? यहाँ यही लेके आए। मैं होगा अस्पताल। डॉक्टरों ने बताया आपको? कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? कैसे पता पड़ा फायर हो गया? अब वो पानी था, पानी में। अभी आप अस्पताल आए, डॉक्टरों ने किसी ने आपको बताया? कुछ नहीं बताया। जो बच्चा बोरवेल में गिरा था, उसको लगातार पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 18 घंटे चला। उसके उपरांत बोरवेल से निकाल लिया गया और निकाल कर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से यहां जिला अस्पताल लाया गया था। उसका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया गया है। बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बच्चा जो है यहाँ ब्रॉड डेड लाया गया, और मेडिकल टीम जो है अब आगे पंचनामा और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है उसके लिए जा रही है। परिवार है उसके साथ हम लोग भी संवेदना है, और परिवार को जो राज्य आपदा मोचक निधि से लाभ दिया जाना है उसके लिए भी हम लोग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोशिश यही करेंगे कि आज ही उनको लाभ भी उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पूरा प्रशासन उस परिवार के साथ में किसी प्रकार की सर एक सबक है ये इस प्रकार के गड्ढे खोदना, तो मैं चाहता हूँ कि अपील आप तरफ से समाज में जाए, ताकि इस प्रकार के अगर गड्ढे नहीं। जी आप सही कह रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग जो बोरवेल की खुदाई कराते हैं, उसमें कई सारे बोरवेल फेल हो जाते हैं हमारे, तो उसको हम लोग अक्सर ही खुला छोड़ देते हैं। तो ये हमारे सभी जनपद वासियों से, पूरे क्षेत्र वासियों से अनुरोध है कि अगर उनके यहाँ कोई भी इस तरह का खुला हुआ बोरवेल है तो उसको प्रशासन के संज्ञान में जरूर लाएं, उसको स्वयं भी भरें, और अगर उसको भरने में किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता हो तो प्रशासन भी उसमें मदद करेगी। और हम लोग अगले महीने में इस चीज़ के लिए एक अभियान भी चलाएंगे, जिसमें पूरे जनपद में इस प्रकार के जितने भी खुले बोरवेल हैं उन सबको हम लोग फिलिंग करा कर वो सभी दृष्टि से सुरक्षित हो जाए, वो क्षेत्र ये सुनिश्चित कराएंगे। बोरवेल से जिस बच्चे को हमारे पास अभी लाया गया, उसका हम लोगों ने पूरी तरह से चेकअप किया और बच्चे को हम लोगों ने मृत पाया है, ठीक है। और थोड़ा सा और एग्जामिनेशन करने पे, उसके आई रिफ्लेक्सेस वगैरह, पीआरपीएल, ये सब देखने पे और राइगर मॉर्टिस टाइप का देखने पे ये भी लग रहा है कि बच्चे को लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मृत अवस्था में पहुँचे हुए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।